हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत इस नई वीडियो में। बात करने वाले हैं एचएसएससी सीईटी 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसके लिए जो है फ्रेंड्स, पोर्टल को ऑन कर दिया गया है और यहां तक बताया जा रहा है कि इसमें लगभग जो 26,000 वैकेंसीज आने वाली है ग्रुप सी टाइप के। तो इसमें अगर आप फॉर्म को फिल किए रहेंगे और एग्जाम दिए रहेंगे तो ही आप जो है ग्रुप सी की जो वैकेंसी आएगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन 26,000 पोस्ट पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसको खोला गया है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा। फिर जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 26,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकालेगी, तो आप उस वैकेंसीज में एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सीईटी 01/2022 के लिए। अब एक बार आप अपीयर होंगे ना, तो 3 साल तक वैलिड रहेगी आपकी सर्टिफिकेट, मान के चलिए सीईटी वाला। और 3 साल तक हरियाणा में जितने भी वैकेंसीज आएगी ग्रुप सी टाइप के, उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए। तो ये जो है आपका एक तरह से फिल्टर लगा दिया गया है कि जो भी बच्चे अगर सीईटी एग्जाम अपीयर हो जाएंगे एक बार और उनको 3 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी, और एक बार जब अपियर हो जाएंगे वैलिडिटी भी मिल गई, तो वो 3 साल तक जो है जितने भी ग्रुप सी टाइप के वैकेंसीज आएगी उसमें वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए साफ साफ ये भी मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जो है 26,000 अप्रोक्स 26,000 जो है पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है ग्रुप सी के, जो कि एनेक्सर एच में जो है डिटेल में बताया गया है। तो एनेक्सर एच आप देखेंगे तो देखिए ये एनेक्सर एच है जिसमें बताया गया कितने तरह के विभाग में कितने वैकेंसीज क्या क्या आने वाली है, किस टाइप के पोस्ट आने वाले हैं। तो ये सब जो है डिपार्टमेंट है और ये सब जो है आपका पोस्ट का नाम है। इतने तरह के पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको आने वाली, 26,000 वैकेंसीज आने वाली है। तो ये आप ओवरऑल जानकारी समझ गए। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, या डिग्री पास हैं, या डिप्लोमा पास हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से ये जो है आप फॉर्म को भरेंगे। आइए मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप जो है इस वेबसाइट पे आएंगे डीएस हेल्पिंग फॉर एवर, यहाँ पे भी मैंने सारी जानकारी दे दिया है। यहाँ पे आप जो है 8 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अगस्त में इसका एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे। 17/6 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, एज 1842 है। आप अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे सीट रखा जाता है, मतलब ऑन रिजर्व में, ठीक है। अब यहीं पे आपको अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक बार नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेंगे। 26,000 पोस्ट पे जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अब जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा ओटीपी लिख के सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे ओटीपी लिख के, तो इस तरह से जो है इंस्ट्रक्शन खुल के आएंगे। आप केयरफुली पढ़ लेंगे, यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, ये आगे प्रोसेस हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट रेसिडेंस, आप जो है हरियाणा के निवासी हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेसिडेंट, मतलब अगर आप परमानेंट निवासी हरियाणा के लेकिन आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं, ठीक है, तो यह आप ऑप्शन चूज करेंगे। अगर इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन रेसिडेंस ऑफ हरियाणा, अगर आप जो है हरियाणा के निवासी नहीं है, मतलब अदर स्टेट के हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपसे पूछ रहे हैं, आधार नंबर अपना लिखें और नेम ऑन आधार, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वो लिखेंगे और इसको आप डिक्लेयर करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। वही अगर आप मान के चलिए आप हरियाणा के निवासी हैं सपोज, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला ऑप्शन पूछेगा, डू यू हैव परिवार पहचान पत्र, अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है अपना फैमिली पहचान पत्र आईडी लिखना होगा, डाटा को फैच करना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, आपके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो नो करेंगे, फिर भी आपको ये वाला ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो ये पीपी आईडी आपको जरूर यहाँ पे लिखना है, डाटा को फैच करना है। अगर मान लीजिए आपके पास पीपी आईडी नहीं है, तो अदर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नॉट हैविंग पीपी आईडी। अगर आपके पास पीपी आईडी नहीं है तो उस केस में आप हरियाणा के निवासी तो है लेकिन पीपी आईडी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। और तो ये वाला इसके लिए अलग से ऑप्शन खुल के आएंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पे बदल रहे हैं, सारा चीज बदल गया। ये मैंने चूज किया नॉट हैविंग पीपी आईडी, और फिर पूछ रहा है आर यू बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ हरियाणा, तो अगर बोनाफाइड रेसिडेंस है तो यस करेंगे। तो आपकी जानकारी यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक खुल जाएगी। अगर आप बोनाफाइड नहीं है तो नो भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आएगा। अगर मान लीजिए बोनाफाइड नो करते हैं तो यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, देख रहे यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हट गया। और अगर आप बोनाफाइड हैं, एक्चुअल में वहां के निवासी हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र का संख्या, किसके द्वारा बनवाया गया है, और अपलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो आपको जो अपना 500 KB से ज्यादा
फाइल साइज नहीं होनी चाहिए, वो निवास प्रमाण पत्र संख्या कब आपने बनवाया है ये जो है चूज करके अपलोड करेंगे। तो ये मैंडेटरी है, इस तरह से आप देखेंगे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर अपना नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर चूज करेंगे, उसके से नेशनलिटी आपको बतानी है कि आप जो है इंडियन है। फिर ये पूछ रहा है कि प्रीवियस अप्लीकेशन डिटेल्स, अगर मान लीजिए आप प्रीवियस अप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपने भरा है तो ये डू यू हैव अप्लाइड एनी एडवर्टाइजमेंट मेंशन अबव, जो ऊपर में एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं इसमें अगर आपने कोई में भी अप्लाई किया था तो यस कर सकते हैं, नहीं किए थे तो यहाँ पे सिंपल नो कर देंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद से सेव ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट करनी है। अब अगला स्टेप में आपका दूसरा स्टेप खुल जाता है, यहाँ पे आपको मेरिट स्टेटस, आप मेरिड है कि अनमेरिड है ये चूज करेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। फिर पूछ रहा है कि आई रीड द एक्स सर्विसमैन इंस्ट्रक्शन, अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे इसको मतलब रीड करेंगे एक बार कि आपने एक सर्विसमैन का जो इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, अगर है तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो अगर आप मान लीजिए एक सर्विसमैन यस कर दें तो ये सारी जानकारी खुल के आता भरने के लिए, जो भी एक सर्विसमैन है वो अपना भर सकता है। अब पूछ रहा है मिलिट्री सर्विस हैविंग एनओसी, यस नो आपको बतानी है। उसके बाद यहाँ पे ये सब जो है एक सर्विसमैन के लिए भरने के लिए है, बाकी आप डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। चिल्ड्रेन एक्स सर्विसमैन, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से जो है अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, सब चीज डिसेबल रहेगा नो करने पे। अब यहाँ पे कास्ट कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है, कास्ट कैटेगरी डिटेल्स आपका क्या है, आप एससी एसटी ओबीसी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी को चूज करेंगे, उसके से सब कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएंगे, इसमें से कोई भी आपका सब कैटेगरी है पासी पेरना मतलब ये जाति है आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशुइंग अथॉरिटी सर्कल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसके द्वारा बनवाए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चूज करेंगे और कब आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था वो यहाँ पे आपको डेट बता देनी है और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते तो ये चीज आपको यस करके ये सारी जानकारी भरनी होती कि आप जो है इसका सर्टिफिकेट दीजिए किसके द्वारा बनवाए थे कब बनवाए थे। फिर अदर डिटेल्स में पूछ रहा है कि वुड यू लाइक अवेलिंग बेनिफिट्स द रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिक्रूटमेंट ग्रुप सी एंड डी, क्या आप जो है रिजर्वेशन पॉलिसी बेनिफिट लेना चाहते हैं, यस नो मैं आपको बतानी है। आर यू वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन, अगर आप कोई वाइफ है लेडीज हैं तो वो अपना मिलिट्री पर्सन बता सकती हैं। आर यू वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सनल या प्रिजन पर्सनल, मतलब आपके जो भी माता पिता है कॉन्स्टेबल एएसआई वगैरह में है तो आप जो है अपना उनका पर्सनल बता सकते हैं कि हम उनके पर्सनल हैं तो आपको इसमें छूट मिलती है, ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे मांगी जा रही है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप यस नो में आपको बता देनी है। फिर विजिबिलिटी, बॉडी में एक पहचान है तो ये आपको बता देनी है। ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड फ्रीडम फाइटर है तो यस नो में आपको बतानी है। हरियाणा इम्प्लॉई, आप जो हैव यू ऑलरेडी वर्कड या प्रेजेंटली वर्किंग, आप हरियाणा जो है इम्प्लॉई हैं किसी भी डिपार्टमेंट में बोर्ड में तो यस नो में आपको बतानी है। फिर यहाँ पे जो है बेंचमार्क, विकलांग है तो यस नो में आपको बतानी है और विकलांगता के बारे में बतानी है वरना इसे छोड़ेंगे। एफआईआर आपके अगेंस्ट कुछ है तो यस नो में आपको बतानी है। डिसक्वालिफाइड डिटेल्स, ठीक है ये आपको नो ही रहेगा। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन, अगर आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो ये आप बता सकते हैं। इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी आपका क्या रहेगा, ग्रुप बी रहेगा कि सी रहेगा कि डी रहेगा या दोनों रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इंटरेस्टेड ग्रुप कैटेगरी बता सकते हैं। Have you applied for any advertisement? इसके ऊपर जो भी advertisement लिखा गया इसमें कभी आपने अप्लाई किया या उसमें आपको बतानी है और यहाँ पे आपको सेव करना है। यहाँ पे आपको अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करना है, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे आपको राज्य चूज करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट खुलेगा, ईमेल आईडी लिखेंगे। देखिए कभी कभी क्या हो रहा है ना कि डायरेक्टली बैक चला जा रहा है आपके जो है लॉगिन पेज पे जहां से आप लॉगिन करके आए थे, वन टाइम पासवर्ड जहां लिखा आया था, तो अगर मान लीजिए बैक चले जाते हैं आप तो उसी में मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे ना फिर से ओटीपी आएगा, तो वहीं से खुल के आ रहा है फॉर्म जहां तक आपने फॉर्म फिल करके बैक गए थे। तो ध्यान रहे, मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वही वाला मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहीं से फॉर्म जो है आगे आएगा खुल के, अगर आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करते चले जाएंगे तो ये चीज यहाँ पे है। मोबाइल नंबर यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है, कोई यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे साइन रिस्ट लिख दिया, काइंड रिस्ट, तो हम दोबारा रिलोड करेंगे और वहीं से जो है फिर से मोबाइल नंबर लिख के ओटीपी लिख के आगे प्रोसेस करेंगे तो वहीं से खुल के आएगा मेरा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोबारा से लॉग इन कर लिया हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम यहाँ पे तीसरे स्टेज पे आ चुके हैं। तो एड्रेस लिख के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल कर लेंगे, ओटीपी जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स को फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए आप जहां तक पढ़ाई किए हुए हैं वो सारी जानकारी आप जो है अच्छे से फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 10वीं क्लास की जानकारी को फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे कैसे करना है, एड एडुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आएगा ऐड करने के लिए, आपको चूज करना है 10वीं क्लास। फिर यहाँ पे चूज करना है रिजल्ट मोड, आपका पास या अपियरिंग 2022, तो पास चूज करेंगे।
फिर यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड, बोर्ड का नाम क्या है, आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, सीबीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, अदर बोर्ड है तो अदर बोर्ड का भी ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, या सीजीपीए है या नॉन सीजीपीए है, तो नॉन सीजीपीए वाले जो मार्क्स वाले हो गए सीजीपीए वाले सीजीपीए चूज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना में कितना नंबर मिला है, डेट ऑफ मार्कशीट, कब आपका जो मार्कशीट जारी हुआ, मार्कशीट का नंबर, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल मार्क्स कितना का था, परसेंटेज यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ पे मार्कशीट को जो है 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट को चूज करके अपलोड करनी है। फिर बस यहाँ पे मार्कशीट चूज करने के बाद यहाँ पे सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये 10वीं क्लास का डिटेल्स आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, मैंने सारी जानकारी को फिल कर लिया है, ये ऐड हो गया, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पे देखिए 10वीं क्लास की जानकारी ऐड हो चुकी है। उसी तरह से आप जो है 12वीं की ये सारी जानकारी अच्छे से आप जो है फिल करेंगे। फिर पूछ रहा है डिड यू पास स्टडी हिंदी या संस्कृत इन क्लास 10th या अबव, अगर मान लिया 10वीं क्लास या इससे अबव तक आपने जो है हिंदी संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एक चीज यहाँ पे आपको बताया गया है कि कम से कम 12वीं पास है तो आप जो है सीईटी के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं और मैट्रिक में आप हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक विषय पढ़े हुए हैं तो आप जो है ग्रुप डी इंप्लॉय के लिए जो है आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये आप टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन के बाद अब आपको अगला स्टेप आएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ऑप्शन चूज करना है कि आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट वाला अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फाइल को चूज करना है, जो भी फोटोग्राफ है ओपन करेंगे और एड पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोग्राफ यहाँ पे एड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एड हो गया। उसके बाद से आपको सिग्नेचर वाला सेक्शन को क्लिक करना है, फिर सिग्नेचर आपको चूज करनी है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं फिर आप ऐड करेंगे तो नीचे में देखिए फोटो सिग्नेचर दोनों यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, फिर आपको सेव एंड ड्राफ्ट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको जो है सोशियो इकोनॉमी क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट आफ्टर फादर मदर स्पाउस मदर सिस्टर हैव बीन रेगुलर इंप्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, मतलब आपके मामी पापा या डॉटर ब्रदर सिस्टर कोई भी इंप्लॉय है किसी भी डिपार्टमेंट में, या कॉर्पोरेट कंपनी, सैचुरेटेड बॉडी, या कमीशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे जो है यस करेंगे वरना यहाँ पे नो रहने देंगे। ये चीज आपको सही से पढ़ना है, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड लेके यस नो में बताना है। फिर यहाँ पे इज एप्लीकेंट विडो, विधवा है, अगर कोई विधवा है तो यस करेगा वरना नो करेगा। इफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच डेनोफाइड ट्राइब्स, जैसे कि इन सब मतलब ट्राइब्स से आप आते हैं या नोमेडिक ट्राइब्स से आते हैं ऑफ हरियाणा बीच, ना इधर एस सी है ना ही वो बी सी है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो अपने स्थिति को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बताएंगे यस नो में। फिर एज रिलैक्सेशन आपको जो है चाहिए फॉर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप यहाँ पे करते हैं वर्क एक्सपीरियंस तो यस नो में बताएंगे। फिर पूछ रहा है कि आर यू इम्प्लॉय विथ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर है तो यस टिक करेंगे और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, वरना इसे अनटिक ही रहने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लेस ऑफ सबमिशन, आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं ये चीज आपको जो यहाँ पे लिख देना है, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम, गांव का भी नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इसको और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही अब आपका डाटा फिर से सेव हो जाता है। यहाँ पे देखिए फाइनल का ऑप्शन आ गया, फाइनल पे क्लिक करके ऐसे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू फाइनल, आपको ओके करना है। ओके करते ही आपका सारा डाटा सेव हो जाता है, वो क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक पॉपअप आ रहा है कॉर्नर पे, पॉपअप को अलाउ कर देंगे, फिर डन करेंगे, फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड कर लेना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है डाउनलोड फॉर्मेट में आ गया, आप इसे प्रिंट आउट निकालेंगे, निकालने के बाद से नीचे में अपने सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, और फिर इसको स्कैन करके यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। दो पेज का या तीन पेज का फॉर्म है तो तीनों पेज स्कैन करेंगे, 500 केबी साइज बोला गया है, इसको अपलोड करेंगे और ऐड करके इसको वैसे डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है स्कैन करके, अब यहाँ पे फिर से एग्री करने का ऑप्शन आएगा, एग्री करेंगे और उसके बाद से आपको मेक पेमेंट करना है, तब जाके आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हुआ। अब आपको जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आपको यहाँ पे जो है योर पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे में, देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक का ही ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपका डिटेल्स खुल रहा है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब जो है आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे और आपको अपना एप्लीकेशन फी जमा करना है। तो थोड़ा सा फॉर्म जो है लेंदी है और बार बार लॉग आउट भी हो जा रहा है, मैंने जो है काफी बार यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल किया हुआ है और कई बार लॉग आउट हो गया है फॉर्म, तो यहाँ पे उसी तरह से लॉग इन करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया लॉग इन पेज पे जाके। अब यहाँ करेंगे कंटिन्यू, ये पूछ रहा है श्योर, आपको ओके करना है, ये फिर से ओके करना है। ओके करते ही अब आप जो है पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं यहाँ पे, और आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है 500 या 250
उस पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है हरियाणा एसएससी सीईटी ग्रुप सी का फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सेल्फ इंफॉर्मर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।